नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की, और स्पेशली युवा पीढ़ी में? प्यार का ना पाना और पैसे का ना आना। तो दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी प्यार ना मिलने के कारण भटक जाती है और फिर ऐसी ऐसी डायरेक्शन में जाने लगती है जहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है, जैसे कि नशा करने लगती है या फिर टोने टोटके के चक्कर में पड़ जाती है। और आजकल टोने टोटके के नाम पर दोस्तों बहुत से ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि हमें बहका रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के चक्करों में बिल्कुल ना आए। हम जो आपको उपाय बताएंगे वो सिद्ध हैं, हम वो आपको बताएंगे और आपसे करवाएंगे भी। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ किसी को भी वशीकरण करने का, वो है चमत्कारी तिलक। जी हाँ दोस्तों, इस तिलक के लगाने मात्र से आप उस व्यक्ति को वश में कर सकते हैं जिसकी चाह आपके मन में है। दोस्तों, इस चमत्कारी तिलक से आप उन सभी को वशीभूत कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जैसे आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के माँ बाप जो आपको पसंद नहीं करते। इस चमत्कारी तिलक के लगाने से वो सभी आपकी हर बात मानेंगे, चाहे वो आपका बॉस हो या आपकी प्रेमिका हो या आपका प्रेमी हो या उनके माँ बाप हो या उनका कोई भी रिश्तेदार हो जो आपको पसंद नहीं करता हो। बस एक चमत्कारी तिलक और सब लोग आपके वश में। तो आइए जानते हैं कि इस चमत्कारी तिलक से आप किसी को भी कैसे अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको इस चमत्कारी तिलक को बनाने की विधि बताता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह क्रिया कारगर सिद्ध नहीं होगी। आप एक कटोरी लीजिए, गंगाजल लीजिए थोड़ा, उसमें थोड़ा आप चंदन मिलाइए। ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं और आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसमें आप सिंदूर डालिए, चमेली का तेल, थोड़ा चमेली का तेल आप उसमें मिक्स कीजिए, और शुद्ध गंगा जल उसमें आप मिलाइए, और ये आपका चमत्कारी तिलक तैयार। और दोस्तों, इस चमत्कारी तिलक को बनाते समय आपको एक सिद्ध मंत्र का जाप करना है 11 बार। इसको आप मिलाते रहिए और उस सिद्ध मंत्र का जाप करते रहिए। ये हो गया चमत्कारी तिलक तैयार। अब मैं आपको इसके उपयोग की विधि बताता हूँ। तो दोस्तों, अब ये चमत्कारी तिलक को यूज़ करने की मैं आपको विधि बताता हूँ। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आप नहा धोकर इस तिलक को अपने माथे पर लगाइए और 11 बार उस मंत्र का उच्चारण कीजिए विदाउट फेल। उस मंत्र का उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ज़रा भी त्रुटि हुई तो शायद ये चमत्कारी तिलक कारगर साबित ना हो। हाँ, तो दोस्तों, ये तिलक अब आप अपने मस्तक पर लगाइए, और ये तिलक लगाते वक्त वो मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल मत भूलिए। तिलक लगाइए और निकल जाइए उस व्यक्ति के पास जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने या जिसको आप वश में करना चाहते हैं। आप वहाँ पर जाइए, इधर उधर की बात कीजिए, उसके साथ टाइम व्यतीत कीजिए और चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन के बाद वो व्यक्ति आपके पास खुद आएगा, और जो भी उसको गलती का एहसास हुआ होगा वो आपसे व्यक्त करेगा, ये हमारा वादा है। दोस्तों, ये सिद्ध मंत्र मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा। ये मंत्र नाम, जाति और कुंडली के हिसाब से हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होता है। तो उस मंत्र को जानने के लिए आप हमें 24 घंटे में कभी भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर है +91 9680 910 252। एक बार हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, +91 9680 910 252। तो दोस्तों, ये मंत्र आप
ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो भी कार्य है वो सफल नहीं होगा। यह मंत्र बहुत ही सिद्ध व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, आपका नाम और आपकी जाति और आपकी कुंडली को देखकर। जैसे कि कभी भी आप कोई रत्न पहनते हैं तो वो आप किसी से उसके ऊपर मंत्र फुकवा कर ही पहनते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ये चमत्कारी तिलक भी अगर सिद्ध मंत्र के साथ नहीं लगाया जाएगा तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण जो भी हो वो बिल्कुल आपके नाम, जाति और कुंडली के हिसाब से हो। और उसके लिए आप हमारे एमएल गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, लव मैरिज, ग्रह क्लेश या और भी किसी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए हम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।